दोस्तों आज के वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ पर्सनली फ़ोन पे के स्कैम को लेके। और आज मैं वो पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि कैसे मैं बोलते ना फंसने वाला ही था, लेकिन कुछ हद तक मैं अपनी थोड़ा दिमाग लगाया और बच गया। तो इस चीज़ को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है ऑब्वियसली, तो पेमेंट सिस्टम इतना ईजी हो गया कि हैकिंग भी उससे ज़्यादा ईजी हो गई है। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डंडा शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेरे फ़ोन पे स्कैम का जो स्टोरी है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मैं घर पे बैठा था, काम कर रहा था और मुझे आता है कॉल पे भाई बोलते हैं कि भैया जी राकेश जी आपको कैशबैक मिल रहा है 4,000 रुपीज़ का। तो मैं भी खुश हो गया, क्या बात है। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या करना होगा। तो बोले देखा आप फ़ोन पे ऐप में जाइए। तो मैं ऐप में गया नहीं, मुझे उसी टाइम पे डाउट गया जिस हिसाब से उसने बोला, एकदम रेगुलर एकदम राउडी टोन में कि भाई आपको कैशबैक मिला है। तो मैं भी बोला ठीक है भाई, मैंने ऐप पे गया नहीं, बोला हाँ ठीक है क्या करना है। तो उसने बोला हाँ आप जाइए ऐप पे। मैं ऐप पे गया, ऐप पे जाने के बाद देख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब उसने मेरे नंबर पे कोई रिक्वेस्ट डाली है जो मुझे पेमेंट करने के लिए फोर्स करेगी अगर मैं जैसे ही भी अगर पे का बटन दबाऊंगा तो पूरा का। और उस पर दिख भी रहा था जितना वो कैशबैक अमाउंट बता रहा था, 4,000 समथिंग था वो अमाउंट दिखा रहा था कि भाई कि आप पे करो उसको। और वो वहाँ से स्कैम था ये पूरी की तरह, कि मुझे कोई भी ऐसा था नहीं कि मतलब भाई कि मेरा कुछ पेमेंट अटका हुआ था या फिर मुझे उसको पेमेंट करना था। वो एक फेक कॉल था, एक स्कैम था जो मुझे फोर्सफुली बोला जा रहा था भाई कि उसको तुम पे करो। और मैंने उस समय उसको पे नहीं दबाया, उस ऑप्शन पे नहीं प्रेस किया, और अगर मैं प्रेस करता तो डेफिनेटली मेरे 4,000-5,000 जो भी अमाउंट था वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाते और यहाँ पे मैं फंस जाता। तो मैंने उसको तुरंत बोला भाई कि मैं नहीं करूँगा, मैंने फ़ोन डिसकनेक्ट किया और तुरंत मैंने इमीडिएटली फ़ोन पे अनइंस्टॉल किया, नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह चेंज किया। और जो नंबर से कॉल आया था मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर, मतलब एक हफ्ते पहले की बात है, तो मेरे पास अगर वो नंबर मिलता है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। इस नंबर पे से जो भी कॉल आ रहे भाई इसको गाली दो सीधा अगर कुछ भी बोले, क्योंकि मतलब इतनी इंसान मेहनत करता है, पैसे बचाता है, और ऐसे हैकर या फिर जो स्कैमर जो लोग बैठे हुए हैं पैसों को लूटने के लिए, उन लोग को तो मतलब गाली देने का ही मन करता है। मतलब कैमरे के सामने मैं दे नहीं सकता, लेकिन बहुत बेकार लगता है यार, और बहुत ही तकलीफ़ होती है जब होता है। तो ये स्टोरी थी मेरी जिससे मैं बचा हूँ। और ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी हैप्पी गेट ऑडियंस जितनी भी हमारी हैप्पी गेट फैमिली है उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आए दिन हर किसी के साथ हो रहा है। और ये बात फ़ोन पे तक ही नहीं है, फ़ोन पे के अलावा जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं उनके साथ ये आए दिन हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि भाई देखो, ऑनलाइन और डिजिटल काफ़ी कुछ हो गया है और बहुत इजी भी हो गया है मतलब हैकर लोग के लिए करना, लेकिन जब तक अगर आप अपने फ़ोन में अप्रूवल नहीं दोगे OTP पिन या फिर वहाँ पे जो मुझे फ़ोन पे 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 का ऑप्शन आ रहा था वो अगर जब तक मैं प्रेस नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब भी कोई भी इस तरह का कॉल अगर आपको आए तो उस समय आपको एकदम पहली बात ऐसे चीज़ों को तो एंटरटेन ही मत करो। अगर आपको ज़रा भी डाउट लगे तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। और ये सिर्फ फ़ोन पे की बात नहीं, बाकी जितने भी पेमेंट सिस्टम है जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन पे, ये सब पे भी मतलब चांसेस है कि भाई हैक या फिर स्कैम हो सकता है। तो भाई बचे रहो। और मैं यही कहूँगा कि अपने एंड से जब तक आप यहाँ पे से अप्रूवल नहीं दोगे सामने वाला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और इससे बचे रहिए। और जो लोग को नहीं पता है भाई क्या हो रहा है तो इस चीज़ को भाई उनको भी बताइए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई आप सोते रहोगे या फिर आप बैठे रहोगे घर में और आपके पैसे को कोई और ही मज़े लूट रहा हो, तो ऐसा ना हो। क्योंकि भाई मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत लगती है कमाने के लिए, और जब जो पैसे ऐसे चले जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मुझे आपके साथ शेयर ज़रूर करना था कि जो YouTube फैमिली है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और इस चीज़ को वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके वायरल कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों तक
ये वीडियो पहुंचना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस, और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो कोई भी फ़ोन पे या फिर जो भी पेमेंट सिस्टम वाले कंपनी देख रही है, तो भाई उनसे एक ही निवेदन होगा, एक ही रिक्वेस्ट होगा कि भाई आपका जो हैकिंग जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि कोई भी हैक ना कर पाए, या फिर ये फालतू के जो लोग बैठे हैकर लोग वो लोग आपको कॉल भी ना कर पाए, हमारा जो डेटा है वो उनके पास पहुँचे ही ना, ऐसा कुछ कर दीजिए जो मज़ा ही आ जाएगा। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और बाकी आप बताइए कि आपका क्या मानना है ऐसे स्कैम्स के बारे में। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।